सात भयानक योग के हानिकारक प्रभाव। किन सात योग से रहे सावधान। किन सात योग से मचती है तबाही। किन सात योग से होती है बर्बादी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कुंडली के सात योग जो बर्बाद कर सकते हैं जीवन। आइए जानते हैं कि जिन जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं, यदि शुभ योगों की संख्या अधिक है तो साधारण परिस्थिति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी धनी, सुखी और पराक्रमी बनता है। लेकिन यदि अशुभ योग अधिक प्रबल है तो व्यक्ति लाख प्रयासों के बावजूद भी हमेशा संकटग्रस्त ही रहता है। कुंडली में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रहों से अधिक प्रबल अशुभ ग्रहों के होने से दुर्योगों का निर्माण होता है। आइए आज हम कुंडली के साथ अशुभ योग दोष के बारे में जानते हैं और उनका प्रभाव कम करने के उपाय भी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। केमद्रुम योग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस योग का निर्माण चंद्रमा के कारण होता है। कुंडली में चंद्र द्वति या द्वादश भाव में हो और चंद्र के आगे और पीछे के भावों में कोई भी अपजस ग्रह न हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। जिस कुंडली में यह योग होता है वह जीवन भर धन की कमी से जूझता रहता है। उसके जीवन में पल प्रतिपल परेशानियां आपको आते रहती हैं और संकट के बादल छाए रहते हैं, लेकिन व्यक्ति हौसले से उनका सामना करता रहता है। इस योग का प्रभाव कम करने के लिए गणेश जी और महालक्ष्मी की साधना करें। शुक्रवार को लाल गुलाब के पुष्प से महालक्ष्मी का पूजन करें, मिश्री का भोग लगाएं, चंद्र से संबंधित जो है वस्तुएं जैसे दूध दही का आप दान करें। दूसरा योग जो है ग्रहण योग। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र के साथ राहु या केतु बैठे हो तो ग्रहण योग बनता है। इस ग्रह स्थिति में सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अत्यंत खराब रहती है। उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता। कार्य में बार बार बदलाव होता है। बार बार नौकरी और शहर बदलना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पागलपन के दौरे तक पड़ सकते हैं। ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आराधना लाभ देती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाए, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के नियमित रूप से आप दर्शन करें। तीसरा जो है चंडाल योग। कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु की उपस्थिति होना चंडाल योग का निर्माण करता है। इसे गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। इस योग का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षा और धन पर होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंडाल योग होता है वह शिक्षा के क्षेत्र में असफल होता है और कर्ज में डूबा रहता है। चंडाल योग का प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। चंडाल योग की निवृत्ति के लिए गुरुवार को पीली दालों का दान किसी जरूरतमंद को करें। पीली मिठाई का भोग गणेश जी को लगाएं। स्वयं संभव हो तो गुरुवार का व्रत करें। एक समय भोजन करें और भोजन में पहली वस्तु बेसन की उपयोग करें। अगला योग जो है कुजोग। वह कुज योग है। मंगल जब लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुजयोग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुजयोग हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह से पूर्व भावी वरवधु की कुंडली मिलाना आवश्यक है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो विवाह किया जा सकता है। मांगलिक दोष की समाप्ति के लिए पीपल और वटवृक्ष में नियमित रूप से जल अर्पित करें। लाल तिकोना मूंगा तांबे में धारण करें। मंगल के जाप करवाएं या मंगल दोष निवारण पूजन कराएं। अगला जो है वह खड़यंत्र।
यदि लग्नेश आठवें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो तो खड़यंत्र योग का निर्माण होता है। यह योग अत्यंत खराब माना जाता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में यह योग हो वह अपने किसी करीबी के खड़यंत्र का शिकार होता है, धोखे से उसका धन संपत्ति छीनी जा सकती है। विपरीत लिंगी इन्हें किसी मुसीबत में डाल सकते हैं। इस दोष की निवृत्ति के लिए शिव परिवार का पूजन करें। सोमवार को पारद शिवलिंग पर सफेद आंकड़े का पुष्प और 7 बिल्व पत्र चढ़ाएं। शिव जी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। अगला जो योग है वह भावनाश योग। जन्म कुंडली में जब किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान यानी 6, 8 और 12 भाव में बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि धन स्थान की राशि मेष है और उसका स्वामी मंगल 6 भाव या 12 भाव में हो तो धन स्थान के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिस ग्रह को लेकर भावनाशक योग बन रहा है उससे संबंधित वार को हनुमान जी की पूजा करें। उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करके भाव का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। अगला जो योग है वह अल्पायु योग है। कुंडली में चंद्र पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थानों में बैठा हो या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वह शक्तिहीन हो तो अल्पायु योग का निर्माण होता है। जिस कुंडली में यह योग होता है उस व्यक्ति के जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है, उसकी आयु कम होती है। कुंडली में बने अल्पायु योग की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय जो है अमोघ मंत्र है, महायज्ञ है, इसकी एक माला रोज करें। बुरे कार्यों से दूर रहें, दान पुण्य करते रहें। अगली जो राशि, जैसे मैंने राशि तो नहीं इस योग के बारे में जो बताया, तो अगर आपके भी कुंडली में कहीं ये जो योग है ज्योतिष जो है इसके माध्यम से आप उपाय करके लाभ ले सकते हैं। आपके कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे आपके कुंडली में जो भी अगर कहीं भी यह कुयोग बैठा हुआ है तो उसके निमित्त उस ग्रह की उपासना से, क्योंकि दान देने से लिखा हुआ है हमारे यहाँ 3 चीज है, यंत्र है, रत्न है और पूजा है। यंत्र क्या करता है, लिखा है कि ग्रह दोष विपत्ति विनाश करम। ग्रह से संबंधित जो कुयोग लगा है वह उसके सारे विपत्तियों को दूर करके आपको लाभ देता है। रत्न आपके अच्छे ग्रहों को एलोवेट करके लाभ दिलाता है। और पूजा पाठ जो है, खासकर हवन और जप जो है, हमारे देवी और देवता जो हैं हमारे वह मंत्रों के अधीन है। लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम, यह जो जगत है यह सभी देवताओं के अधीन है। और मंत्राणाम देवताधीनम, मंत्र जो है यह देवताओं के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और ये सारे जो मंत्र हैं ब्राह्मणों के अधीन है। तो इसी से कहा जाता है कि तस्मै ब्राह्मण देवता, तो उस ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता इसलिए पुकारा जाता है कि वह एक मैसेंजर है भगवान के, उस मंत्र की पूजा पाठ करके वह हमारे देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप में कोई भी इन दुर्योगों में से एक योग लगा है तो आप इसकी आराधना अभ्यर्चना दान उपदान करके आप अपने आप को बेहतर और सजग कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।